गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज हम करने वाले हैं मौर्य सम्राट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ये घटना चक्र से लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है 100 से अधिक प्रश्न है जो कि एक वीडियो में मैं नहीं बना पाऊंगी। तो इसका या तो एक दो पार्ट यानी टू पार्ट आएगा, या फिर तीन पार्ट में इसका वीडियो मैं बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो पहला भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो आप वीडियो को पॉज करके सारे एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं, जहां मुझे ज़रूरत लगेगा वहां पढ़ के मैं सुनाऊंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो ऑप्शंस देखिए, उसके हिसाब से इसका आंसर दीजिए। अगर हरियक वंश रहता तो हरियक वंश इसका आंसर हो जाता, इसलिए पहले ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद एलिमिनेट कीजिए कि नहीं ये नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? मौर्य साम्राज्य। इसका समय काल देखिए कितना है, 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यानी मौर्य साम्राज्य के बाद आया था इसके हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद वर्धन वंश। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन सा है? तो विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है, और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद वंश का पुत्र माना गया है, नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषम और कुलहीन बताया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। चुप रहो मम्मी, हल्ला मत करो। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। एरियन और प्लूटर्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस तथा सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है? तो ये सेंड्रोकोटस नाम से सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो इसकी भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना कर पाया था। नंदों को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, ये एक आत्मकथा है? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नाटक है। तो नाटक तो नहीं है ये, अर्थ सिद्धांतों की पुस्तक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो है शासन के सिद्धांत दिया है। अर्थशास्त्र सोचकर आप इसे इकोनॉमिक्स मत समझ लीजिएगा, ये जो है राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोंड, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? तो राज्य का सातवां अंग है मित्र, सुहृद, मित्र राज्य का सातवां अंग है। तो ये पढ़ लीजिए आप एक बार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसे पहलू पर प्रकाश डाला गया, मतलब किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो राइट साइड देखते हैं, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 17वां, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है। बुलंदीबाग कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में। 13वां है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई है मैकियावेली के प्रिंस से। 14वां है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस होता है
तो डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था। यह मेगास्थनीस के स्थान पर आया था। 18वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्नीसवां है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसे जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर इसका अधिकार का प्रमाण मिलता है। तो ये क्वेश्चन छूट रहा था 15वां नंबर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, तो किससे बना था? लकड़ी से बना था। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? स्नूपर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भरहारा से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। 23वां नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है 21वां नंबर, तो 24वां भी देख लेते हैं। 23वां हमने देख ही लिया, दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो ये मानचित्र जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, मतलब राज्य विस्तार से जुड़ा हुआ है कि कितने दूर तक चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का कितने दूर तक शासन था, तो ये अशोक से संबंधित है, उसके शासनकाल का अंतिम समय है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों और स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये हो गया। चलिए अब देखते हैं, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए पढ़ देती हूँ मैं, इससे याद हो जाएगा आपको। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला लेख में अनर्थ और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। बाईसवां है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। 25वां है, किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो वो था अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसा व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था, और ये एक ऐसा नैतिक नियम थे जिसका संप्रदाय विशेष में कोई संबंध नहीं था, और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। नेक्स्ट 29th नंबर, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है देवा नाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने 269 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। उसके अभिलेखों में सर्वप्रथम उसे देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म की आस्था का संकेत मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 26वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शंस, अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इस राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नंबर है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है दूसरे शिलालेख में।
अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्य पुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। 30वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है दीपवंश और महावंश, इनमें जो है इसका वर्णन मिलता है। सिन्हली अन्य श्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति हुई थी तीसरी, और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्रतिस नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। 28वां देखते हैं, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोका ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जाति के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता है। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था, और अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल यानी औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। तो चलिए इस पेज को समाप्त ही कर लेते हैं 32 तक। तो 30 हमने देख लिया, 31 देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। 32 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो कौन कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन अनुयायी था, तो ये नहीं हो सकता है। अशोक जो है बौद्ध धर्म, और बिंदुसार जो है प्रारंभ में बौद्ध धर्म से जुड़ा नहीं था, लेकिन बाद में पहला तो अशोक हो जाएगा, अशोक बौद्ध धर्म से। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय से संबंधित था, जबकि दशरथ जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम 30 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद लास्ट जितने प्रश्न होंगे तो 3 वीडियो में पूरा मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।